ऑफ द सेट। ये आपको करना पड़ेगा इस डेफिनेशन में कि आपको एक सेट दिया जाएगा, जैसे जो रोस्टर फॉर्म होती है या टेबुलर फॉर्म भी होती है वो इसमें दी जाएगी आपको। इसमें रूल मेथड और बुल्डर मेथड है, तो उस मेथड में आपको जो ये फॉर्म दी जाएगी इस फॉर्म को आपको किसमें बदलना है, बुल्डर फॉर्म या रूल मेथड में। तो हमें क्या करना है, इन दिस फॉर्म वी लिस्ट द प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड बाय ऑल द एलिमेंट ऑफ द सेट, ये हमें करना पड़ेगा। तो देखो इन दैट इज इट इज रिटेन एज, ऐसे लिखेंगे एक्स बिलोंग्स टू एल, मतलब जो एलिमेंट के साथ एलिमेंट है सेटिस्फाइड बाय द प्रॉपर्टी, मतलब जो एलिमेंट आपको दिए जा रहे हैं वो सेटिस्फाई कर रहे हैं किसके साथ, प्रॉपर्टी के साथ। तो देखो इसलिए द सेट बाय द सेट ऑफ ऑल दोज एक्स, द सेट ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट ईच एक्स हैज प्रॉपर्टीज ऑफ पी, मतलब इसमें जो एक्स के एलिमेंट है वो किस प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहे हैं, जो हमारा सेट है उसकी प्रॉपर्टीज को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो देखो इसी फॉर्म के बेस पे अभी आप डेफिनेशन की समझ में आई रोस्टर और टेबुलर फॉर्म की, तो इसमें हमें क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में आपको कोई स्टेटमेंट दिया जाएगा, उस स्टेटमेंट को हमें किसमें बदलना है, ब्रैकेट के साथ एलिमेंट भी होने चाहिए, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। ऐसे आपको क्वेश्चन भी आएगा, हमने क्वेश्चन भी आपको टेंथ क्लास में दिए थे कि कन्वर्ट बाय द रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, ऐसे आपको उसका आएगा कन्वर्ट रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। तो देखो क्वेश्चन क्या है, दो लाइन का क्वेश्चन रहता है, मतलब लाइन जो सॉल्व करेंगे वो टू लाइन में आपका सॉल्व हो जाता है, अगर आपको डेफिनेशन याद है, क्योंकि इस चैप्टर में मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपकी डेफिनेशन। अगर आपको डेफिनेशन का मेथड समझ में आ गया कि आपके डेफिनेशन में क्या है, तो आप क्वेश्चन को खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो राइट द सेट ए, ये आपको एक सेट दिया है इन द सेट बुल्डर फॉर्म, तो हमें किसमें इसे लिखना है, बुल्डर फॉर्म में। तो देखो वी है ये जो हमें ये सेट दिया है, इस कौन सा नंबर है, ये नेचुरल नंबर है, हमारे क्वेश्चन नंबर है ऑल नेचुरल नंबर, और किससे कम है, लेस देन 9, तो इसे हम क्या लिखेंगे सॉल्व में, वी है ए सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 9, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये प्रॉपर्टीज आपके याद होनी चाहिए। तो देखो इसका एक अभी सेट हमारा क्या हो जाएगा, x belongs x apostrophe x belongs to n, n हमारा क्या है नेचुरल नंबर, एंड x इज लेस देन 9, 9 से क्या है ये छोटे हैं। तो देखो इसमें हमने क्या किया, जो आपको सेट दिया है क्या है, we have a set of all natural number less than 9, 9 से छोटे हैं, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 10 a बराबर x belongs to n and x is greater x is less than 9, क्योंकि आपको हमने आप क्या बताया, representation of set, there are two method of representing of a set, तो ये आपके हो गए रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। ये हमने आपको आपको सेट दिया जाएगा, सेट को कन्वर्ट करने का मेथड पता है, इसे आपको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आपको बता रहे हैं टाइप्स ऑफ अ सेट।
से हम क्या लिखेंगे, फाइव। मतलब जो सेट है हमारा बिल्कुल खाली है तो क्या होगा, एम्प्टी सेट। इसके बाद है सिमुलेटेड सेट। सिमुलेटेड सेट में हमारा क्या है, अ सेट कंटेनिंग एक्जेक्टली वन एलिमेंट। मतलब सिमुलेटेड में कितने एलिमेंट होंगे, वन। तो वो हमारा कैसे सेट हो जाएगा, सिमुलेटेड सेट। इसके बाद है फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट हमारा क्या है, फाइनाइट में, फाइनाइट मतलब किसी चीज का लिमिट तक आपको पता है कि इसमें कितने एलिमेंट है, इनफाइनाइट मतलब अनंत तक इसके एलिमेंट आपको पता नहीं है। तो देखो फाइनाइट और इनफाइनाइट में द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द आर्क ऑफ अ सर्किट इज एन इनफाइनाइट सेट। तो देखो फाइनाइट में लेट ए बराबर आपका एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, वन टू थ्री फोर फाइव, कितने हैं फाइव। तो देन ए इज फाइनाइट सेट एंड एन इज इक्वल टू फाइव। इसके बाद है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट में आप इसे काउंट नहीं कर सकते। तो द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द आर्क ऑफ अ सर्किट इज एन इनफाइनाइट सेट। तो ये आपका क्या हो गया, फाइनाइट और इनफाइनाइट। इसके बाद है इक्वल सेट। तो इक्वल सेट हमारा क्या, आपको दो सेट दिए, जैसे ये दिया वन टू थ्री, ये दिया टू थ्री वन। तो देखो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी बराबर है और जो एलिमेंट्स है वो भी क्या है हमारे सेम है, क्या है इक्वल सेट। इसके बाद है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट में ये होगा, आपको दो सेट दिए जाएंगे उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो बराबर रहेंगे लेकिन जो सेट के एलिमेंट है वो क्या होंगे डिफरेंट है। जैसे वन टू थ्री थ्री है लेकिन एलिमेंट भी क्या है सेम है, तो कौन सा सेट हुआ हमारा इक्वल सेट। ऐसे इक्विवेलेंट सेट में टू फाइनाइट सेट ए एंड बी सेट टू बी इक्विवेलेंट, मतलब जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे क्या होंगे बराबर होंगे तो वो क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट सेट। एक और सेट होता है आपका कार्डिनल, कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। थैंक यू।